टाइम्स नाउ नव भारत ने आपको पिछले ही हफ्ते ये बता दिया था कि टर्मिनेटर हरभजन सिंह बहुत ही जल्द क्रिकेट को अलविदा कहने वाले हैं, और अब इस खबर पर ऑफिशियल मुहर खुद हरभजन सिंह ने लगाई है। हरभजन सिंह ने अपने जो ट्विटर हैंडल है उस पर ये अनाउंस कर दिया है कि क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट और उसी के साथ साथ आईपीएल जो वो लगातार खेल रहे थे, अब उसमें आपको हरभजन सिंह खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। तो ये खबर हमने आपको तकरीबन 10 दिन पहले हमने आपको बताई थी कि हरभजन सिंह ये मन बना चुके हैं कि अब वो दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट तो लंबे समय से ही नहीं खेल रहे थे वो, लेकिन हाँ आईपीएल में वो हर साल ज़रूर हिस्सा थे। पिछले सीज़न में कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से भज्जी हमें नज़र आए थे, लेकिन भज्जी ने अब ये मन बना लिया कि ना इंटरनेशनल क्रिकेट में और ना ही आईपीएल में अब हमें हरभजन सिंह की वो फिरकी नज़र आएगी, हरभजन सिंह की वो गेंदबाजी नज़र आएगी। तो पिछले हफ्ते जब हमने ये खबर ब्रेक की थी तो उस समय मैंने हरभजन सिंह से काफ़ी देर तक बात की थी, तो उन्होंने बिल्कुल मुझे कन्फर्म किया था कि हाँ मैं इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल को अलविदा कहने वाला हूँ। और मैंने उनसे पूछा था कि आप ये कॉल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आप तो हर साल आईपीएल खेलते हुए हमें नज़र आ रहे थे। तो उन्होंने मुझे बहुत क्लियर बताया कि देखो मैं साल के सिर्फ 2 महीने एक्टिव क्रिकेट खेल रहा हूँ, जो पिछले और जो बाकी 10 महीने होते हैं वहाँ पर मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। तो जब आप 10 महीने क्रिकेट ना खेलें और उसके बाद सिर्फ 2 महीने के लिए क्रिकेट खेलने आए, तो फिर उस तरीके से आप परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं जिसके लिए खिलाड़ी जाना जाता है। हमने देखा कि किस तरीके से एबी डिविलियर्स जब लगातार इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे थे और जब वो आईपीएल में आते तब उनका फॉर्म बहुत शानदार रहता था, लेकिन जब इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ दिया और सिर्फ आईपीएल में नज़र आते थे तो फॉर्म उनका डाउन हुआ था। तो हरभजन ने भी मुझे यही कहा था कि देखो हमने एक पीक पे क्रिकेट खेला, एक ऊंचाई पे क्रिकेट खेला, और हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम मतलब सिर्फ खेलने के लिए क्रिकेट खेलें। तो हरभजन सिंह ने इस बात का फॉर्मल पूरी ऑफिशियल अनाउंसमेंट करते हुए कह दिया है कि अब हरभजन सिंह क्रिकेट के मैदान पर नज़र नहीं आएंगे। अगर हरभजन सिंह की मैं लाइफ के बारे में थोड़ा आपसे बात करूं तो अराउंड उन्होंने, अगर मैं इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करूं, 16-17 साल उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेला, लेकिन जो उनके करियर की मेन हाइलाइट्स थी, सबसे पहले जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने जो हैट्रिक ली, वहाँ से एक हरभजन सिंह द ग्रेट हरभजन सिंह का आगाज़ हुआ था। तो हमने उस हैट्रिक ने आपने ऑस्ट्रेलिया को हिंदुस्तान में टेस्ट सीरीज़ में हराया और वहाँ से एक हरभजन सिंह एक बड़े सुपरस्टार बनकर उभरे। उसके बाद नेट टेस्ट सीरीज़ में हमने हरभजन सिंह को खेलते हुए देखा, और उसके बाद 2060 वर्ल्ड कप जब हिंदुस्तान ने जीता था तो हरभजन सिंह उस टीम के एक मुख्य किरदार थे। 2060 T20 वर्ल्ड कप के बाद 2011 वर्ल्ड कप विनिंग टीम का भी हरभजन सिंह हिस्सा थे, और जब इंडियन टीम टेस्ट में नंबर 1 बनी थी MS धोनी की कप्तानी में, तब भी हरभजन इंडियन क्रिकेट का हिस्सा थे। देखिए 2011 तक तो हरभजन सिंह का जो इंटरनेशनल करियर था उसमें सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन 2011 में वो जो उनको एक चोट लगी थी इंग्लैंड दौरे में, जब उनको चोट लगी उसके बाद से जैसे जैसे हरभजन सिंह नीचे आते गए तो उनके जो कंपटीटर थे आर अश्विन, उन्होंने पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत कर ली, और हमने देखा ओवर द ईयर्स कि किस तरीके से अश्विन ने चाहे हिंदुस्तान हो चाहे विदेश हो वहाँ पर अच्छा परफॉर्म किया। तो वहीं हरभजन सिंह एक फिटनेस की मैं अगर बात करूँ, और फिर उन्होंने लगातार ज़्यादा क्रिकेट खेला भी नहीं है, मैं ये कहूँ कि उन्हें शायद वो जो मौके मिलने चाहिए थे उतने मौके हरभजन सिंह को 2011 के बाद से मिले भी नहीं। तो एक बार मेरी उनसे बात हुई थी कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जब वनडे सीरीज़ खेल रहे थे हिंदुस्तान, तो उस समय हरभजन सिंह अपनी शादी का कार्ड बांट रहे थे, तो उस समय आर अश्विन चोटिल हुए या कोई और स्पिनर चोटिल हुआ था तो सेलेक्टर्स ने हरभजन सिंह को टीम में तुरंत इंक्लूड कर दिया था जब वो अपनी शादी का कार्ड बांट रहे थे। उस सीरीज़ में हरभजन को खिलाया गया, हरभजन ने अच्छा परफॉर्म किया। 2016 T20 वर्ल्ड कप का भी हरभजन सिंह हिस्सा था, लेकिन ज़्यादा मौके मेरा बिल्कुल मानना है कि इन पिछले 10 सालों में हरभजन सिंह को नहीं मिले जितने मौके उनको मिलने चाहिए थे। ठीक है, अब हरभजन ने अलविदा कह दिया, लेकिन अब जब लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट, एक क्रिकेटर की जो लाइफ होती है आफ्टर रिटायरमेंट वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अब तक तो आप सिर्फ अपने लिए देश के लिए खेलते आए थे, अब आप पे जिम्मेदारी है युवा खिलाड़ियों को यंगस्टर्स को ग्रूम करने की, उनको मोटिवेट करने की, उनको भी अपनी तरह हरभजन सिंह युवराज सिंह बनाने की। तो भज्जी से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बहुत क्लियर कहा कि हाँ मैं एक आईपीएल फ्रेंचाइजी से मेरी बात चल रही है, वहाँ पर बतौर मैं मेंटर जुड़ने वाला हूं। लेकिन इसी के साथ साथ खबरें ये भी हैं कि क्या हरभजन सिंह राजनीति में कदम रखने वाले हैं कि नहीं, क्योंकि पंजाब में अगले साल चुनाव हैं और नवजोत सिंह सिद्धू के साथ उनकी एक मुलाकात की तस्वीर भी काफ़ी वायरल हुई है। तो इसके ऊपर तो हरभजन सिंह ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन हाँ ये कन्फर्म है कि हरभजन सिंह एक आईपीएल फ्रेंचाइजी के साथ बहुत ही जल्द जुड़ने वाले हैं बतौर मेंटर, जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले गौतम गंभीर जुड़े हैं लखनऊ की टीम के साथ। तो हरभजन सिंह
अपने अलविदा कह दिया क्रिकेट को। हमारी तरफ से टाइम्स ऑफ नवभारत की तरफ से भज्जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हाँ जल्द ही आपको टाइम्स ऑफ नवभारत पर हरभजन सिंह का इंटरव्यू भी एक्सक्लूसिव देखने को मिलेगा।